आदित्यनाथ का मुंबई दौरा है, बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें सीएम योगी को करीब 5 लाख करोड़ का निवेश मिला है। सीएम योगी मुंबई दौरे पर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर से मदद मिला। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिले में जियो सेंटर खुलेगा। अडानी ग्रुप पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें सीएम योगी को 5 लाख करीब का निवेश मिला हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर से मदद मिला। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जियो सेंटर खुलेगा। अडानी ग्रुप पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा है, कितनी महत्वपूर्ण ये इनका दौरा होने वाला है? जी मयूरी, आपको बता दें कि देश की उद्योग की नगरी यानी कि मुंबई सूबे के मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है। कल दौरे का पहला दिन था जिसमें तमाम उद्योगपतियों से मिले, साथ ही साथ फिल्म कलाकारों से मिले। अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, उनके सरकार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, इसको सफल बनाने के लिए देश विदेश के साथ साथ देश के उद्योग नगरी मुंबई से भी भारी निवेश मिल रहा है। अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट समिट से पहले 5 लाख करोड़ का निवेश मुंबई से मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कल सुबह के मुख्यमंत्री फिल्म जगत एवं तमाम उद्योगपतियों से मिले थे, जहां वो उत्तर प्रदेश के अंदर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आमंत्रण देने गए थे। आमंत्रण के दौर से पहले ही अगर बात की जाए तो आमंत्रण देने के बाद जब वो निवेशकों के साथ बैठते हैं तो 5 लाख करोड़ रुपए का उन्हें कहीं ना कहीं निवेशक अभी से ही उन्हें जो अपना प्रस्ताव है देते हुए नजर आए। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पे उन्होंने रिलायंस के साथ साथ टाटा सन्स, अडानी, गोदरेज, बिरला, पिरामल, वेदांता, पर्ल, हिंदुजा सहित तमाम कंपनियों के जो मालिक हैं, जो संचालक हैं, उनसे मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के अंदर में उद्योग के जगत को जो जीआईएस का सम्मेलन हो रहा है उसमें निवेशक के तौर पर आकर अब उत्तर प्रदेश में निवेश करने की जो उन्होंने इच्छा जाहिर की। अब आपको बताएं कि इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम ले जाएं, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लक्ष्य रखा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो भागीदारी है वो हम देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना एक लक्ष्य तय किया है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डेवलप करेंगे, इसको कहीं ना कहीं वो छूते हुए नजर आ रहे हैं मुंबई दौरे से। अब बात की जाए तो इससे प्रदेश के अंदर में अगर ये निवेशक आते हैं, अगर बात की जाए तो 10,000 से ऊपर मेहमान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाले जीआईएस सम्मेलन में आ रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि फरवरी 10 से और 12 तारीख तक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट चलेगा। इसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हम चौमुखी विकास करेंगे, साथ ही साथ जो गाँव है, जो आबादी गाँव में रहती है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इस निवेश के बाजार से उनके लिए राहत की खबर लाएंगे। बात की जाए मयूरी तो देश की 70% आबादी गाँव में रहती है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से अगर देखें तो 8 जिलों को हटाकर ये सभी जिले कहीं ना कहीं अभी विकास की रफ्तार में नहीं आए हैं। मगर माना ये जा रहा है कि जीआईएस के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर में युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार मिलते हुए नजर आएगा। वहीं अगर बात की जाए तो जो भी कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर में अपनी अपने निवेश को यहां लाती है, साथ ही साथ अपने कुछ ऐसे स्टार्टअप करती है, तो साफ तौर से उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको लाभ मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए तो कल मुख्यमंत्री तमाम उद्योगपतियों से मिलने के बाद फिल्म जगत के लोगों से मिलते हैं, जहां सुनील शेट्टी की तरफ से कहा गया और योगी आदित्यनाथ से विनम्रता के साथ कहा गया कि आप जो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा है उस पर रोकथाम लगाएं और बॉलीवुड में सब एक जैसे नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा सफल होते हुए नजर आ रहा है। जी मयूरी,
दिवांशु, सीएम योगी दो दिवसीय दौरे पर है मुंबई के, आज उनका दूसरा दिन है, तो आज क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल होगा? जी मयूरी, अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री जो तमाम लोगों के उनके दौरे में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, माफ करिएगा, उनके जो शेड्यूल थे उस हिसाब से जो भी उद्योगपति उनसे नहीं मिले हैं, साथ ही साथ वहां जो उनका रोड शो है वो करते हुए नजर आएंगे। आपको बताया था कि साफ तौर से जो उद्योग की नगरी मुंबई है वहां जाकर और जो यूपी मॉडल है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां प्रस्तुत करेंगे, और इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूबे का जो विकास है उसमें रफ्तार देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री आज कल वहां रात विश्राम किए और साथ ही वहां के जो नेता है, जो पदाधिकारी है, उनसे भी मुलाकात करके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात की। देर बाद उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो कल जहां जो निवेशकों के साथ उनकी बैठक रह गई थी उनसे वो मिलेंगे। साथ ही बात की जाए तो आज लगभग दोपहर 12 बजे वो वोट शो में शिरकत करेंगे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो होटल ताज में विश्राम किए हैं, तो मुंबई की जो उद्योग की नगरी है वहां रोड शो करके और जो उत्तर प्रदेश का विकास का मॉडल है उसको प्रचार प्रसारित करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो GIS जो उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी सरकार 2.0 का पहला इन्वेस्टमेंट समिट होगा, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जो युवा है उनकी आशा अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो योगी सरकार अपने मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं अंकित करके रखती है, लिख के रखी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में युवाओं को रोजगार देंगे और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, और बात की जाए तो आज रोड शो के माध्यम से जो यूपी मॉडल है वो मुंबई के अंदर में वो रखते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो यूपी का मॉडल, जो यूपी ब्रांड है, उसको देश से बाहर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां 10,000 निवेशकों की बात की जा रही है और 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, इसमें कहां तक प्रदेश का विकास होता है और जो भी निवेशक आते हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिलचस्पी पहले से दिखा रहे हैं और कितनी उसमें भागीदारी देते हैं ये आने वाला समय बताएगा। मगर कहीं ना कहीं मयूरी, अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, यो योगी आदित्यनाथ के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आई है, जहां कल अखिलेश यादव ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पे कहते हुए नजर आए कि पूर्व में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ है, मगर सरकार बताती क्यों नहीं कि इन समिटों में क्या उत्तर प्रदेश को लाभ मिला है। वहीं अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारी सरकार में अमूल डेयरी प्लांट हो, चाहे नोएडा के अंदर में सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, चाहे बात की जाए तो IT सेक्टर का डेवलपमेंट हो, चाहे मेट्रो परियोजना हो, ये सभी उनकी सरकार में किए गए, मगर उन्होंने साफ तौर से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को कागजी पुलिंदा बताते हुए और जनता को भ्रम में रखकर और कहीं ना कहीं जनता को ठगी करने का उन्होंने आरोप लगाया उत्तर प्रदेश सरकार पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन चुनौतियों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को कितना सफल बनाती है और कितना इससे निवेशक अपना इच्छा जाहिर करते हैं। और वहीं अखिलेश यादव कल NCERB के डेटा को उन्होंने दलील देते हुए कहा कि जो भी निवेशक आएंगे वो NCERB के डेटा को देखकर पीछे हट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विपक्ष होता है उसका जो कटाक्ष करने का एक भारतीय लोकतंत्र के अंदर में अधिकार है, मगर कहीं ना कहीं इससे जो तमाम मंत्री हैं उनका मनोबल और जो मुख्यमंत्री हैं उनके दौरे जो हो रहे हैं तमाम प्रयास की जाए उनका मनोबल इससे कम होता हुआ नजर आ रहा है। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने अगर देखा जाए तो उनके पूर्व की राजनीति से जो उन्होंने ठाना है वो हमेशा वो करते हैं। अब उन्होंने कहीं ना कहीं जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना देखा है और उस पर काम कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में इससे पर्दा उठेगा, और देखने वाली बात ये होगी कितने निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर में आकर और निवेश करते हैं। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। आज में माघ
माघ मेला शुरू हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगा सागर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, एक महीने तक माघ मेला चलेगा। श्रद्धालु एक महीने रहकर जब तप दान और ध्यान करते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता आशीष हमसे जुड़ेंगे। आशीष, प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? संगम तट पर हर साल लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सालाना धार्मिक आयोजन माघ मेला आज 6 जनवरी से पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू हो गया है। और आपको बता दें, आज से ही संगम की रेती पे एक महीना चलने वाला कल्पवास भी आज से शुरू हो जाता है। और सुबह से ही बता दें कि भोर के 4 बजे से ही यहाँ पे कड़ाके की ठंड जो कि इतनी पड़ रही है, और श्रद्धालु का उसी समय से स्नान चालू हो गया है। लोग आ रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा, इतनी कड़ाके ठंड होने के बावजूद भी माँ गंगा की आस्था लिए हुए यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी आशीष, अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और श्रद्धालु आते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कमी आई है श्रद्धालुओं में या फिर वैसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है? मयूरी, इसमें हम आपको जरूर कहेंगे कि चाहे कितनी भी कड़ाके ठंड हो रही है, मैं यहाँ पे खुद इतना कवरेज कर रहा था, इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे हाथ नहीं चल रहे थे, पर मेरे यहाँ पे देखे, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे नौजवान हो, ये इनका उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी मुझे। और वो माँ गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए और वो श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। जी आशीष, सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बता दें कि आपको यहाँ पे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, बैरिकेटिंग की गई है, डी वाटर से बैरिकेटिंग की गई है। और देखा जाए चारों तरफ जितने भी स्नान घाट, 11 स्नान घाट हैं, वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे गए हैं। और पीएससी की जवान हो चाहे आरएफ की जवान हो, रैपिड एक्शन फोर्स है और घोड़ सवार चारों तरफ इन घाटों पे निगरानी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कतें श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालु को ना हो। जी जी धन्यवाद आशीष तमाम जानकारियों के लिए। इरफान सोलंकी के चाचा को कुर्की की नोटिस दी गई है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाजी इकबाल सोलंकी को नगर निगम ने नोटिस दी है। पूर्व विधायक अरुण तोमर को भी नोटिस दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त ही कानपुर से आपको बता रहे हैं, गेस्ट हाउस पर बकाया वसूलने के लिए नोटिस दी गई है। नगर निगम ने बकाया वसूलने के लिए 840 बकायेदारों को नोटिस दी है। बकाया ना जमा करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इरफान सोलंकी के चाचा को कुर्की की नोटिस दी गई है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाजी इकबाल सोलंकी को नगर निगम ने नोटिस दी है। पूर्व विधायक अरुण तोमर को भी नोटिस दी गई है। बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, गेस्ट हाउस पर बकाया वसूलने के लिए नोटिस दी गई है। नगर निगम ने बकाया वसूलने के लिए 840 बकायेदारों को नोटिस दी है। बकाया ना जमा करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, इरफान सोलंकी के चाचा को कुर्की की नोटिस दी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, इरफान सोलंकी के चाचा को कुर्की की नोटिस दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? इरफान सोलंकी कांड जो चल रहा है उसको देखते हुए देखा है तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है और जिला प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ चला रहा है। इरफान सोलंकी चाचा जो है उनको जो नोटिस दी गई है, नोटिस बात की दी गई है कि जो कानपुर जो जातमो कांड है, टेंडी पनी है, उसके पीछे जो करोड़ों रुपए की जमीन है उसको लेकर जो सरकारी दस्तावेज है हेरा फेरी हुई थी उसको लेकर नोटिस दी गई है। सूत्रों से खबर ये आ रही है कि हो सकता है जल्द जो है योगी आदित्यनाथ बाबा का बुलडोजर जो है वो जल्द जो है इस अवैध कब्जे पर जो चलने वाला है। उपेंद्र, लगातार इरफान सोलंकी मामले में एक्शन लिया जा रहा है, अभी चाचा के कुर्की की नोटिस जारी की गई है, क्या आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी?
जी अगर देखा जाए तो कहने वाली बात यह है कि इसमें देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण तोमर भी रह चुके हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए कई समाजवादी पार्टी के इसमें नेता जो 840 लोग की लिस्ट तैयार की गई है जिनको नोटिस दी गई है उसमें समाजवादी पार्टी के जो है लगभग देखा जाए तो 840 नेता जो चिन्हित कर लिया गया जिनको लेकर के पूरी तरीके से जितने जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि देखा जाए कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से इस पर कहीं ना साफ कहना है कि जो अवैध भूमि है जो चारा का है जो ग्राम समाज जमीन है उसको लेकर के पूरी तरीके से कब्जा मुक्त कराया जाए और उस पर जल्द से जल्द जो भूमाफिया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और देखा जाए कहीं ना कहीं उस क्रम में जो है इरफान सोलंकी की जो चाचा है वो बिल्कुल पूरी हेड लिस्ट पे आते जा रहे हैं कानपुर जिला प्रशासन, और जल्द हो सकता है कि इसमें देखा जाए तो इरफान सोलंकी की जो पत्नी है वो जल्द हो सकता है आज की डेट में मीडिया से रूबरू होंगे 4 बजे। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी लखनऊ में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ठंड से बचने के लिए लोग कूड़ा जलाकर हाथ सेक रहे हैं। नगर निगम की नहीं है कहीं भी अलाव की व्यवस्था, बड़ी खबर सामने आ रही है। कूड़ा जलाने से लगातार प्रदूषण हो रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग कूड़ा जला रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में लगातार कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, ठंड से बचने के लिए कूड़ा जलाकर हाथ सेक रहे हैं लोग। तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे लेकिन अब वो दावे कागजी नजर आ रहे हैं। लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कूड़ा जलाने का सहारा ले रहे हैं, ठंड से बचने के लिए लोग कूड़ा जलाकर हाथ सेक रहे हैं। नगर निगम की कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कूड़ा जलाने से लगातार प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग कूड़ा जलाने को मजबूर हैं, बड़ी खबर आपको राजधानी से बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं जो नगर निगम की तरफ से डीएम की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए थे, फिर चाहे वो अलाव को लेकर हो या रैन बसेरे को लेकर हो, लेकिन वो सारे दावे कागजी नजर आ रहे हैं। जी मयूरी, मैं आपको बता दूं ठंड का सब बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं नगर विकास साथ नगर निगम कहीं अब एक्सपायरी में आ रहा है, जो अपनी जिम्मेदारियों की द्वारा पूर्ति केवल कर रहा है। इसका खामियाजा पूरे क्षेत्र के वासियों को, पूरे नगर वासियों को, पूरे लखनऊ वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह हो रहा है कि अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था की गई है, नगर निगम विभाग से जगह जगह लकड़ी पहुंचा के अलाव जलाया जाएगा। लगभग 1500 जगह चिन्हित किए गए हैं नगर निगम की तरफ से, वो कागजों में चिन्हित है। अभी भी अगर लखनऊ की सड़कों पर निकला जाए तो देखा जा सकता है कि कई चौराहों पे, कई जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर अभी भी अलाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो सबसे बड़ा समस्या का हल ये निकाला जा रहा है, जो लोग आग के ठंड से बचने के आग जला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कूड़े का भी प्रयोग कर रहे हैं। रास्ते में यदि कहीं पॉलीथीन पड़ी हुई या किसी प्रकार का व्यक्ति पड़ा हुआ है या अन्य सामग्री पड़ी हुई है, बोरी पड़ी हुई है चंदी, उससे जला करके कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी लखनऊ में कई जगहों पर देखा जा सकता है। और फिर उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, तो कहीं ना कहीं अब हवा में जो ये इसका जो धुआं फैल रहा है कहीं ना कहीं कूड़े का, वो भी अब एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसके लिए भी विभाग को कठोर कदम उठाने चाहिए, सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। हालांकि सभी लोग पहन करके निकल रहे हैं लेकिन जिस तरीके की जलन है, 12 साल में पहली बार इस तरीके की ठंडक हुई है, और ये अभी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी और आगे ठंड इस तरह बढ़ती जाएगी। इस पर नगर निगम को पूरी तरीके से सजग होना चाहिए, और जिस तरीके से कूड़े जलाने का प्रयोग किया जा रहा है इससे वातावरण अशुद्ध हो रहा है और कहीं ना कहीं सांस लेने में लोगों को तकलीफ भी हो रही है, इसके लिए भी प्रभावी कदम उठाने जाने। रितेश, अगर लखनऊ में देखें तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, स्थिति काफी खराब है। अगर मैं डीआईपी एरिया को छोड़ दूं या मुख्य जगहों को छोड़ दूं तो आउटर्स में कैसी व्यवस्था है, फिर चाहे वो अलाव को लेकर हो या रैन बसेरे को लेकर हो?
देखिए मैं उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो राजधानी अगर देखा जाए, अगर जांच किया जाए तो देखो सरकारी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि 1500 चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करा गई। तो आगे जो कहें बहुत अच्छी जगह है जो अभी राजधानी में ही अच्छे है जहाँ पर अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई। हमारी एक अधिकारी से जब बात हुई है नगर निगम में जो अधिकारी उनसे जब बात हुई उन्होंने कहा कि ज्यादा लकड़ी डालने से भी दिक्कत हो रही क्योंकि जो धुआं होता है वो कहीं ना कहीं वातावरण को अशुद्ध करता है। और अगर यही बात की जाए और नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहले से ही वहाँ व्यवस्थित जो गाँव के लोग हैं ग्रामीण के लोग खुद अपनी व्यवस्था करते हैं, वहाँ पर कोई सरकारी व्यवस्था इतना नहीं की जाती। फिलहाल जो शहरों की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अच्छी है। अभी भी बहुत ऐसे प्रदेश चौराहे बहुत ऐसी जगह है जहाँ लकड़ी ना पहुंचने से लोग परेशान है और कहीं ना कहीं सूर्य जलाने का प्रयोग कर रहे हैं और सूर्य जलाने से वातावरण शुद्ध हो रहा है, हवाओं में वो धुआं फैल रहा है और कहीं ना कहीं साफ की बीमारियां खत्म हो रही है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।